नमस्कार एमके क्लासेस को आपण मानक स्वागत। आज आम आलोचना करवा उत्प्रेक्षा अलंकार विषय। पे पूर्व भिडियो आम मैंने उपमा अलंकार रूपक अलंकार विषय आलोचना करें उपमेय एवं उपमान विषय आलोचना करते कहीं उत्प्रेक्षा अलंकार जो आम पढ़ा उपमेय एवं उपमान कौन आमको जाना दरकार हम। जो पे से भिडियो देखी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जातु से आम दि जाइए जो लिंक आपण मैंने से लिंक रे जाई देखिपारे पूरा भिडियो मानक देखिपारे एवं आमर प्ले लिस्ट अच्छी ओडिया ग्रामर सेक्शन जो अच्छी से ओडिया ग्रामर सेक्शन आपने जा देखिपारे। तथापि तो पे आज भी आम आलोचना करवा जे उपमेय एवं उपमान कौन प्रथम आलोचना करवापर आम उत्प्रेक्षा अलंकार को बुझा। उपमेय कहले जहाँ तुलना कराए जो वस्तु को तुलना कराए उपमेय बोली कह जाए एवं जहाँ सहित तुलना कराए उपमान बोली कहुए। तले एक कथा को पिला माने मन थिबो आमे पूरा वीडियो रे पढ़ीचे जेहेतु जानीचे एक कथा को वर्तमान आमे देखिया पिला माने उत्प्रेक्षा अलंकार कौन। उत्प्रेक्षा अलंकार प्रकृत वस्तु सहित अप्रकृत वस्तु रो संभावना बा तर्कणा करा गले सेठारे उत्प्रेक्षा अलंकार हेताय। प्रकृत वस्तु सहित अप्रकृत वस्तुर संभावना बा तर्कणा करा गले उत्प्रेक्षा अलंकार हेताय। ताले प्रकृत वस्तु उपमेय उपमेय को हम प्रकृत वस्तु बोली कहिबा। उपमान जहाँ सहित तुलना करा जाए ताकू अप्रकृत वस्तु बोली कहिबा। जदि उपमेय को उपमान सहित संभावना करा जिवो बा तर्कणा करा जिवो सेठारे कौन हबो पिला माने उत्प्रेक्षा अलंकार हबो। एवं ये उत्प्रेक्षा अलंकार वाचक शब्द किसी अच्छे जमी पे आम कि अबा बा सते जेपरी जेसन सीना यही सब वाचक शब्द जदि लगे ताले से उत्प्रेक्षा अलंकार हम ताले बुझीगला पे ताले आमर एठार किसी वाचक शब्द थाए जमती आउ थे मन रखिए पे कौन कौन अच्छी वाचक शब्द कि अबा बा सते जेपरी जेसन सीना ये सबू हूँ वाचक शब्द जदि थे आम कह ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो पार ताले पे उत्प्रेक्षा अलंकार को बुझापी हेल्ले आमको एक उदाहरण दरकार। उदाहरण मध्यम बुझा शेतांग चढ़े गुहा समुद्गत नीरभेदी उठे किबा ऐरावत पे चिलिका राधानाथ राय आम जाना शेतांग चढ़े गुहा पर्वत को कह जा चिलिका गर्भरे श्वेतवर्णर श्वेतवर्णित धला रंगर पहाड़ शेतांग चढ़ई गुहा पर्वत को ये कह जा चढ़ई गुहा पर्वत टी जमी जलरु उठी आसी चिलिकार जलराशि उठी धवलित हो शुभ्र रंग रही जमी ये संभावना कौन करावत सहित संभावना करतांग चढ़ई गुहा समुद्गत नीरभेदी नीर कहले जल जल को भेदी की उठी किए उठे कि आज ऐरावत को बोली कह ऐरावत कहले इंद्रंकर हस्ती स्वर्ग रे राजा जी हूँ इंद्र तांकर हस्ती हूँ ऐरावत तांकर हस्तीर रंग कौन हस्ती रंग हूँ शुभ्र धला तले धला हस्ती इंद्रंकर हस्ती धला हस्ती कि स्नान सारी मुंड टेकी कि ये जो पर्वत मुंड टेक रही जल भितर पर्वत टी बाहरी अच्छी चढ़ई गुहा पर्वत जो बाहरी अच्छी जल भितर से चढ़ई गुहा पर्वत मुंड टेकिला भलिया देखा जा भलिया संभावना करा क्या भलिया ना इंद्रंकर हस्ती ऐरावत सहित ताले प्रकृत वस्तु किए थी पे मैंने प्रकृत वस्तु थिला चढ़ई गुहा पर्वत ताकू कहा सहित करागला संभावना ना इंद्रंकर हस्ती ऐरावत सहित ताले प्रकृत वस्तु को अप्रकृत वस्तु सहित जदि संभावना बा तर्कणा करा जाए सेठारे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पिला माने आमे लक्ष्य करिबा एठी देखिबा वाचक शब्द लागिछि कि नाही आमे स्क्रीन पर देखिबा पिला माने स्क्रीन आमे लिखा हैछि ना नाही वाचक शब्द देखो पिला माने खोजिलो वाचक शब्द कोन अछि। हाँ पिला माने वाचक शब्द एठी किबा अछि कौन अच्छी वाचक शब्द किबा अच्छी किबा वाचक शब्द अच्छी ना नहीं किबा अच्छी एवं ये संभावना कराऊ प्रकृत वस्तु को अप्रकृत वस्तु सहित संभावना बा तर्कणा एठारे करा जाइछि तेणु एठारे कौन है आमर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार पिला माने दुई भाग रे व्यक्त कराई कौन कौन गोटे हूँ वाचक प्रेक्षा अन्यटी हूँ प्रतीयमान। वाचक प्रेक्षा अलंकार अन्यटी हूँ प्रतीयमान अलंकार
ताले पिला माने दुई भाग विभक्त होई छी हम जानि परले कोन कोन बाचत परीक्षा प्रत्ययमा ताले बाचत परीक्षा कहा को कहबा यदि वाचक शब्द बाचत परीक्षा कहले हम वाचक शब्द को नहीं आसीबा डायरेक्ट वाचक शब्द किबा ओबा बा सते जेपरी जेसन सिना एसब लगिथिबो वाचक शब्द लगि यदि प्रकृत वस्तु को अप्रकृत वस्तु सहित संभावना करा जीवो ताले सेटारे बाचत परीक्षा हबो जोहार उदाहरण आमे करि सालेनी सतांग चढ़ई गुहा जो उदाहरण आमे करि सालेनी सेई उदाहरण ही बुझी परबा सेई जो पूर्व उदाहरण आमे नेले सतांग चढ़ई गुहा समुद्रगत निरोभेदी किबा उठे ऐरावत एही उदाहरण ही आमको बाचक परीक्षार उदाहरण ये एटी किबा लागी अछि एटी बाचक शब्द देख पिला माने किबा लागी अछि तणु एही याकु आमे कहबा बाचत परीक्षा अलंकार एवं प्रत्ययमान पिला माने कहा को कहबा जोठारे वाचक शब्द उह्य होई उज्ज होइतबो वाचक शब्द नथिबो वाचक शब्द नथाई उज्ज थिबो बुझी होतो वाचक शब्दर मर्म किंतु वाचक शब्दर उह्य थिबो बा उज्ज थिबो कहूछु आमे जेठी उज्जताई प्रकृत वस्तु को अप्रकृत वस्तु सहित यदि संभावना बा तर्कणा करा जाय सेठारे प्रत्ययमान अलंकार हेताय ताले आ बाचत प्रख्या एवं प्रतिमान आमे जानि परले पिला माने एक उदाहरण नबा आमे जौगुण प्रभा समुचल मुख मंडल रे सिद्धकोण चाहि बसिले नव विकसित कमळे हिव पद्म ताले जौगुणर प्रभा जगु जौगुणर जो प्रभा जका काई के नामे जानि छे जौगुण अवस्था समस्त सुंदर देखा जांते एठी शकुंतला कथा कह जाय छी ଏଠାରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ଯୌବନ ପ୍ରଭାରେ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ ଥିଲା ସମୁଜ୍ଜଳ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଥିଲା ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ ଥିଲା ଯେ ସେଦ କଣିକା କହିଲେ ସେଦ କଣା ଅର୍ଥ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ଝାଳର ଟପାଟି ସେଦ ବିନ୍ଦୁ ପଡି ଝାଳ ଟପାଟି ପଡି ତାଙ୍କ ଚେହେରାଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ତାକୁ କଣ ବିଚାରିଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ତାକୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ନବ ବିକଶିତ ନୂଆ କରି ଫୁଟିଥିବା ପଦ୍ମ ଦେହରେ କଣ ତୁଷାର ବିନ୍ଦୁ ପଡିଛି କି ନବ ବିକଶିତ ପଦ୍ମ ଅଧୀନ ଯଦି ଶିଶୁର ଟପାଟି ପଡିଥାଏ ତୁଷାର ବିନ୍ଦୁ ପଡିଥାଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଦେଖାଯାଏ ଅପୂର୍ବ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ କି ନା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ପଡିଥିବା ସେ ତୁଷାର କଣାକୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ କାହା କୁହାଯାଇଛି ନବ ବିକଶିତ ପଦ୍ମ ଦେହରେ ପଡିଥିବା ଶିଶୁର ଟପା ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସେ କଣ କରାଗଲା ନା ସମ୍ଭାବନା କରାଗଲା ତର୍କଣା କରାଗଲା ତେଣୁ ଏଠାରେ ହେଲା ପ୍ରତୀୟମାନ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଲାଗି ନାହିଁ ଯଦି ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଲାଗି ନଥିବ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ସେଠି ପ୍ରତୀୟମାନ ଅଳଙ୍କାର ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତୀୟମାନ ଅଳଙ୍କାର ହବ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ଉଦାହରଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବା ପିଲାମାନେ ଉଦାହରଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଆମେ ବାଚକ ପରୀକ୍ଷା ଜାଣିପାରିଲେ ପ୍ରତୀୟମାନ ଜାଣିପାରିଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଗାମୀ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ବିଭାବନା ବ୍ୟତିରେକ ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।